जाइए, मेरा बेटा से गलती हो गया, उसे माफी दिलाइए, मेरा बेटा को बचा लीजिए। मेरा बेटा जानबूझ के कुछ नहीं किया, गलती से अनजाने में बोला गया, मेरा बेटा को बचा लीजिए, मेरा बेटा को माफी दिलिए, माफ करिए। हम सरकार से भी मैं विनती करती हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी विनती करती हूँ, मेरा बेटा को माफ। सो गाइज हैशटैग सपोर्ट टू पारस, जैसे कि मेरा वीडियो का टाइटल ही है कि हैशटैग सपोर्ट टू पारस ऑफिशियल। तो भाई अभी सभी लोग पारस को इतना डिफेम कर रहे हैं कि भाई वो बंदा का जो कि मेंटली भाई मेंटली से मुझे पूरा डाइवर्ट हो चुका है कि भाई उसका फ्यूचर क्या होगा, अभी इतना सजा मीन्स क्या क्या उसके फ्यूचर में भी प्रेजेंट में हो रहा है ये आप लोग भी नहीं जानते होंगे, मतलब इतना पर्सनली जितना वो अब भुगत रहा है। सो गाइज पारस ऑफिशियल को अभी सजा तो अभी बहुत मिल चुकी है, क्योंकि अभी पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया है। अभी इतनी बड़ा भी मत सजा, इतनी बड़ी भी सजा मत दीजिए भाई पारस ऑफिशियल को भाई, कि बंदा का करियर ही ख़त्म हो जाए, इस बंदा का जो भी फ्यूचर ही ख़त्म हो जाए। सो मेरा वीडियो का मकसद नारा यही है कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अभी जितने भी हो वो जाने अनजाने में जो हुआ सो हुआ गाइज, अभी बस उनको पारस को थोड़ा सपोर्ट कीजिए एंड थोड़ा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी गलती जो भी थी वो मान ली थी, एंड अगर वो गलती नहीं मानता था तो हम लोग कुछ बोलते थे, बट उसने वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत डिलीट भी कर दी थी। ज़्यादा उसको डिफेम जब मिलने लगा तो उसने सामने आके वीडियो में भाई उसने गलती भी मानी, उसकी मॉम उनकी मॉम ने भी गलती मानी कि भाई गलती हुआ है, ये मानते हैं हम सब भी गलती हुआ है, बट ये जानबूझकर गलती नहीं की गई थी, ये गलती हुई थी, ये जाने अनजाने में हुई थी। सो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए गाइस, जो कि पारस के जो कि ऑफिशियल जो कि व्यूवर है उनके, अगर आप लोग भी सपोर्ट नहीं करो तो भाई बंदे अकेला हो जाएगा, अंतला टूट जाएगा वो। सो मेरा भी आपसे बस ये एक रिक्वेस्ट है कि भाई पारस को थोड़ा सपोर्ट कीजिए एंड चैनल और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सब मीन्स पहुँचाइए सभी लोगों तक, ताकि आप सभी भी पारस को सपोर्ट कीजिए। मेरा फुल सपोर्ट है भाई पारस भाई को, अगर वो गलती ऐसे की बट उन्होंने गलती मानी तो मेरा भी मतलब उन्होंने गलती मानी सो मैं भी स्वीकार करता हूँ कि भाई उसने गलती मानी है बंदे ने। सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा डीफेम करना बंद कर दो और सपोर्ट करो अभी भाई को, अभी बहुत ज़रूरत है भाई, बंदा अकेला है, बंदा अकेला टूट चुका है, तो उसको थोड़ा अभी सभी लोगों की ज़रूरत है, मेरी आप सभी सबकी ज़रूरत है पारस को। सो जाइए फटाफट एक वीडियो बनाइए या फिर ट्विटर पर एक हैशटैग रन करवाइए कि हैशटैग सपोर्ट टू पारस ऑफिशियल, तभी कुछ हो सकेगा या फिर नहीं हो सकेगा भाई। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई जाके पारस भाई को सपोर्ट कीजिए, एंड बार बार यही बोल रहा हूँ कि भाई सपोर्ट टू पारस, क्योंकि बहुत लोग अभी बहुत हो गया गाइस, अभी बहुत ओवर हो गया कि भाई जितना भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके, बहुत डिफिक मिल चुका बंदे को, बहुत से बहुत गालियाँ मिल चुकी। सो अभी टाइम है मेक समथिंग न्यू, सो जाइए फटाफट पारस को सपोर्ट कीजिए। मेरा वीडियो भी बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हैशटैग सपोर्ट टू पारस, मैंने अभी तक पारस के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है, जबकि बंदे को इतना डीफेम मिल रहा है, तो भाई मेरा भी दिमाग के ऊपर चला गया कि भाई जब बंदे ने सॉरी गलती मान ली तो भाई क्यों इतना डीफेम दे रहे हो, क्यों इतना गाली दे रहे हो, बंदे को क्यों दे रहे हो आखिर। सो बस मेरा एक ही मकसद है भाई, बस हो गया, अभी ये बंद करो डीफेम वगैरह देना, डीमोटिवेट करना बंद करो, एंड अभी से सिर्फ और सिर्फ बंदे को सपोर्ट करो, एंड वीडियो को बस इतना ही देने वाला हूँ, वीडियो में बस इतना ही होने वाला है। चाहिए फटाफट वीडियो को पहुँचाइए, एंड वीडियो बनाइए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि ऐसे रोजाना अपडेट्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ के आपको मिल सकेंगे मेरी ओर से। तो फटाफट जाइए वीडियो को शेयर करिए, एंड कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तब तक के लिए मिलते रहेंगे ऐसे रोजाना वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहे अभी के वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.